आइए दोस्तों, मैं शशिकांत उपाध्याय प्रगति कंप्यूटर से आप सभी के बीच लेकर आया हूं। आज के दौर में हम कहीं भी जाते हैं तो हमें टैली का नॉलेज होना मस्त है। अधिकतम कंपनियों में या ऑफिसर्स में हम पहुंचते हैं तो वहां पे हमसे कहा जाता है कि क्या आपको टैली आती है। सवाल ये उठता है कि टैली क्या है, तो टैली के बारे में अब आप ये जान लें कि टैली यानी मिलान करना, दो पक्ष से मिलान करते हैं। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं कंपनी क्रिएट करना, अपने डेटा को मेंटेन करना, जो कुछ भी कार्य हमारा अकाउंट से रिलेटेड होता है वो सब कुछ हम कर सकते हैं इस टैली प्रोग्राम से। अब बात ये आती है कि टैली में कार्य क्या करना है, तो टैली में कार्य में सबसे पहला काम जो होता है आपका, वो आपको करना क्या होता है कि कंपनी क्रिएट करना होता है। और आज के लिए बहुत बातें नहीं कर सकते, लेकिन हम बात सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि आज की वीडियो में जो आपको सीखना है उसके लिए अब आप माइंड अपना प्रिपेयर करके बैठ जाए और कॉपी और कलम भी ले लें। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप या कुछ भी है तो आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देन यहाँ डेस्कटॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि आप देख रहे होंगे टैली ईआरपी 9 का एक आइकन दिख रहा है। टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। सो टैली ईआरपी 9 का इस्तेमाल करने के लिए आपको करना क्या है कि टैली ईआरपी 9 दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक आपका होता है कि आपको लाइसेंस लेना होता है जिसके लिए आपको कुछ पे करना होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी बिगिनर हैं और आप अभी सीखना चाह रहे हैं तो सीखने के लिए कोई फीस नहीं देनी है आपको। यहाँ पे क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो ऐसे में इस सॉफ्टवेयर को हम लोग चलिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया हमारा टैली ईआरपी 9 का यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, इस पर हमको डबल क्लिक करना होता है। अब डबल क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि टैली पावर ऑन सिंप्लिसिटी टैली डॉट ईआरपी 9 ये बता रहा है कि मैं टैली हूँ और टैली सॉफ्टवेयर कुछ सेकंड में आपके सामने पूर्ण रूप से आ गया। अब आप देखें यहाँ पे तो सबसे ऊपर आपको टाइटल बार नजर आ रहा है, दाहिने साइड में कंट्रोल बटन नजर आ रही है, इसको हॉरिजॉन्टल बटन बार हम बोलते हैं, राइट हैंड साइड में वर्टिकल बटन बार मिल जाती है। ये आपको स्टार्टअप स्क्रीन पे कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दी गई जो आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये नीचे आता है इन्फो पैनल कहा जाता है। इन्फो पैनल के बाद आप इधर आते हैं तो कैलकुलेटर भी दिया गया आपको कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि आप अकाउंट्स में हैं तो जोड़ घटाना थोड़ा ज़्यादा आपको करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा, तो ये काम आप यहाँ से करते हैं। अगली चीज़ आती है अब ये कि ये स्टार्टअप कैसे होगा। तो स्टार्टअप के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पर लाइसेंस ऑपरेशन दिया गया है, तो आपके पास लाइसेंस तो है नहीं, तो अब आप करेंगे क्या, तो आप मूव करते हुए आ जाएंगे यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मूव। वर्क इन एजुकेशनल मूव मतलब आप एजुकेशन ले रहे हैं और एजुकेशन में आपको काम करना है। अब हम आपको बता देते हैं कि अंतर दोनों में क्या होता है। अंतर दोनों में सिर्फ इतना होता है कि आप अगर लाइसेंस वर्जन यूज़ करेंगे तो वहाँ डेट बदल पाएंगे, और अगर आप एजुकेशनल मूड यूज़ करते हैं तो सिर्फ डेट नहीं चेंज कर सकते, बाकी सब कुछ सेम होता है। चलिए जी, यहाँ पे हो गया वर्क इन एजुकेशनल मूड। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस कंपनी को बंद कर देते हैं। ये हो गई हमारी कंपनी बंद। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल बटन बार पे दिया हुआ सर्ट कंपनी, हमने बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पहली बार सॉफ्टवेयर खुलेगा, कोई कंपनी क्रिएट नहीं किया, तो ये मिलता है आपको कंपनी इन्फो। ये हमारा जो है ना, ये पूरा एरिया गेटवे ऑफ टैली का एरिया होता है। यहाँ पे आपको कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी, अगर आपकी कंपनी बनी हुई है तब तो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ कंपनी तो बनी नहीं है, तो हमारा पहला काम आता है क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी पे हम एरो की से आते हैं और यहाँ पे देखिए सी दिखाई दे रहा है, सी रेड कलर का दिख रहा है, तो ऐसे में हम सी भी दबा सकते हैं, अगर वहाँ आए हुए तब भी क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन ही एक्टिव होगा। तो चलिए सी दबा लेते हैं या फिर इंटर दबा देते हैं। तो ये हो गया, हमको मिल गई स्क्रीन, और कौन सी स्क्रीन मिली, कंपनी क्रिएट करने की स्क्रीन। इस स्क्रीन में अब आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि यहाँ फील्ड कौन कौन सी दी हुई है। चलिए सभी फील्ड से मिल लेते हैं और उस फील्ड के
सामने जो जगह खाली है उस जगह पे क्या भरेंगे, तो ये बात आती है कि हमें फिल करना है यहाँ। ये जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं तो फील्ड्स भी होती हैं और उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। उसी तरह यहाँ भी हमें करना है, क्या करना है। पहली चीज तो आप देखें यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा डायरेक्टरी, नीचे नजर आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के ठीक सामने दिया हुआ है कि सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक टैली डॉट ईआरपी 9 एंड डेटा। अब आप समझ लेंगे डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी एक्चुअली आप अगर कंप्यूटर पढ़े हुए हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि डायरेक्टरी होती है, फाइल्स होती है, सब डायरेक्टरी होती है, ड्राइव होती है, डिस्क होती है, ये सारी नाम आपको पता होगा। सो सेम ये डायरेक्टरी इसीलिए बनी है कि यहाँ जो कुछ भी डेटा आप डालेंगे वो डेटा जाके जहाँ स्टोर होगा वो लोकेशन ये दिखा रहा है। ये बता रहा है कि सी के यूजर्स में पब्लिक नाम का एक फोल्डर और फिर टैली ईआरपी नाम का एक सब फोल्डर और फिर डेटा का एक सब फोल्डर। मीन्स आप स्टार्ट करेंगे जहाँ वो जाएंगे आप सी में, सी से फिर यूजर्स में जाएंगे और पब्लिक में जाएंगे, फिर टैली ईआरपी 9 में पहुँचेंगे और फिर आपको डेटा नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको सारी फाइलें मिल जाती हैं, मतलब टैली की फाइल मिल जाती है, स्टोर होगी। ये देखना जरूरी है कि हम समझते हैं, हम चाहते हैं अपने हिसाब से पाथ बनाना या लोकेशन बनाना तो हम बना भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए नेम पे। नेम यानी नाम। नाम आपने अपने फर्म का अपने व्यापारक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ तो नाम रखे होंगे। तो ऐसे में अब आपको नाम जो रखा आपने वही नाम आपको यहाँ डाल देना। सपोज करिए हम लोग यहाँ पे ABC डाल देते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड। चलिए जी ये ABC प्राइवेट लिमिटेड को लिख कर हमने जैसे ही इंटर की दबाई तो हम आ गए मेलिंग नेम के सामने। अब मेलिंग नेम के सामने हमको वही नाम सेम दिखने लगा। अब यहाँ पे हम चाहे तो बदल दें, कुछ और भी दे सकते हैं जो नज़र आएगा हमको मेल सर्विस में। जब भी हम मेल करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगी। अगर आप यही सेम दिखाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं एड्रेस पे। अब भाई ये एड्रेस को दिखा देते हैं। एड्रेस हमारा ये है कि मान लेते हैं 524 और ये आ गया डाल देते हैं सूर्य नगर और ये हो गया हमारा लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेस कंप्लीट वन डाल सकते हैं आप, आपको पूरी जगह दी गई है। अब आप आ गए कंट्री फील्ड के सामने। कंट्री के सामने आते ही दाहिने तरफ अगर आप यहाँ नज़र करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिस्ट दिख रही है देश की, कंट्रीज जो होती हैं वो कंट्रीज की लिस्ट दिख रही है। इसमें आप अगर इंडिया के रहने वाले हैं तो आई दबा दीजिए, इंडिया पे आ गए। ये हो गया हमारा कंट्री का सिलेक्शन। देन जैसे ही हम नीचे आए तो स्टेट पूछा जा रहा है। स्टेट में आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश, या जहाँ के भी रहने वाले हैं वो आप पहला अक्षर दबाएंगे वो सामने आ जाएगा। चलिए जी पिन कोड मांग रहा है। पिन कोड आपका जो भी है तो आप पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पे जो भी है। अभी तो फिलहाल हम प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही फॉर्मल ले ले रहे हैं। फ़ोन नंबर आपकी कंपनी में है तो आप कंपनी में का फोन नंबर डाल दीजिए। देन आगे आ जाते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप जो भी डालना है आप डाल सकते हैं नंबर। अगला आ गया हमारा फैक्स नंबर। अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और देन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। ईमेल में आ गए तो ईमेल में आप ईमेल एड्रेस अगर आप यूज़ करते हैं, ईमेल एड्रेस तो आज के समय मस्ट है, तो आप ईमेल भी यहाँ दिखा सकते हैं। ईमेल लिखने का तरीका abc123@gmail.com ये हो गया। अगर आपकी वेबसाइट भी है तो आप वेबसाइट को भी लिख लीजिए abc.com। चलिए ये हो गया आपका। और अब हम आ गए फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आपको करना क्या है, ये बात आपको आखिर क्यों बताई जा रही है, इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ 1 अप्रैल पहले से लिखा हुआ है। 2022 जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको सिर्फ ईयर चेंज करना है, इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको 1 अप्रैल में कोई तब्दीली नहीं करनी। तो चलिए हम 1 अप्रैल यहाँ लिख लेते हैं। और 1 अप्रैल के बाद अगर हमें 1 अप्रैल 2020 का खाता बनाना है तो 2020 का चलेगा।
वहाँ भी 2020 लिख देंगे। अगर हमको 10 का बनाना है तो 2010 लिख देंगे, और अगर हम 2022 में हैं तो 2022 एज इट इज सिस्टम के अकॉर्डिंग उसने लिया वो ले लेता है। अब आ गए बुक्स बिलिंग। अगर हमारी कंपनी का डेटा 5 तारीख को तैयार हुआ, 5 तारीख जब हमने स्टार्ट किया 5 अप्रैल से, तो यहाँ पे अब हम 5 अप्रैल लिखते हैं तो 2022। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि लाइसेंस वर्जन में ये चेंज करने देगा बट एजुकेशनल में ये चेंज करने नहीं देगा। तो हम इसको फिर से मिटा देते हैं और चलते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल लेते हैं, और 2 अप्रैल ये लेने देगा क्योंकि यहाँ पे इतना फैसिलिटी दी गई अलाउ किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया टैली वैल्यूड पासवर्ड। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन के लिए आप सुरक्षित कर सकते हैं अपने डेटा को, कोई और भी नहीं इसके अंदर जा सकता, डेटा में कोई फेरबदल नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में नो दिया हुआ यस करना होगा अगर आपको, तो क्यों करना होगा वो जान लें। यस करने के बाद आप यहाँ पे नाम देकर पासवर्ड दे लेते हैं, और सिक्योरिटी की अथॉरिटी आप किसी और को भी दे सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो डेटा में छेड़छाड़ किसने किया, वो बात आपको पता लगेगी। तो सिक्योरिटी के लिए आप अथॉरिटी भी यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमने नो कर दिया फिलहाल। नीचे आते हैं, बेस करेंसी सिंबल नजर आ रहा है। बेस करेंसी सिंबल आप देख सकते हैं जिस देश के हैं उस देश में, फॉर्मल नेम उसका क्या है INR कहते हैं, और देन ये सभी ऑप्शंस को आप देखेंगे और फिर आप करते हैं यस। यहाँ पे यस हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर दी गई सारी इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट थी, इसलिए हमको समझ आ गया कि ये डेटा हमारा सही है, और हमने इंटर की प्रेस किया या फिर वाई दबा दिया तब भी हमारा डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और हम फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे दूसरी चीज़ों के साथ, जो और भी चीज़ें हैं टैली में जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी, बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो बने रहिए मेरे साथ प्रगति कंप्यूटर में। धन्यवाद।